एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेल में बंद 10 से 12 गैंगस्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ चर्चा की है। इन गैंगस्टर्स को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में एनआईए ने उत्तर भारत की जेलों से कम 25 गैंगस्टर्स को दक्षिणी राज्यों में स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस लिस्ट में गैंगस्टर बिश्नोई का नाम भी शामिल है। संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एनआईए ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कुछ गैंगस्टर्स को दक्षिण भारत के राज्यों में शिफ्ट करने की मांग को लेकर। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से जो नॉर्थ दिल्ली गैंग जेलों की अगर बात करें, जिस तरीके से गैंगवार जो है वो बढ़ रही है और आपस में जिस तरीके से जेलों के अंदर भी हत्याएं हो रही है, जिसको लेकर एनआईए और गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। एनआईए ने एक चिट्ठी जो है गृह मंत्रालय को लिखी है और उसमें कहा गया है कि जितने भी ये गैंगस्टर हैं, इसको जो अंडमान निकोबार है वहां की जेलों में जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां जिस तरीके से क्योंकि ये अपना नेक्सस जो है जेलों के अंदर बैठकर चला रहे हैं और अगर वहां पर बंद होते हैं तो इनका कहीं ना कहीं ये जो अपना नेक्सस है वहां पर नहीं चला सकते। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो है आने वाली ये है कि राज्यों से इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अंडमान निकोबार की अगर बात करें वो यूटी है और वहां वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो वहां पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने एक पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को लिखा है और कहा है कि जितने भी गैंगस्टर हैं सबको या तो फिर अंडमान निकोबार शिफ्ट किया जाए या फिर जो डिब्रूगढ़ जेल है जहां पर अभी मौजूदा स्थिति में जो अमृतपाल है वो अभी बंद है, वहां पर वहां की जेलों में अगर इनको बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए कमल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़े हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर्स को शिफ्ट करने की मांग गृह मंत्रालय की तरफ को की गई है एनआईए की तरफ से। एनआईए ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। दरअसल जिस तरह से ये लोग तमाम जेलों में बंद हैं, इनको नेक्सस चलाने में बेहद आसानी होती है। ऐसे में एनआईए की ये मांग है कि चूंकि अंडमान निकोबार केंद्र सरकार के अधीन है और ऐसे में राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इनका नेक्सस भी वहां पर कमजोर होगा, लिहाजा ऐसे तमाम खूंखार गैंगस्टर्स को दक्षिण के राज्यों में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिफ्ट किए जाने की मांग एनआईए ने की है।